दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नाबालिग बच्चों के अभिभावकों को झंझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने प्यार में धोखा खाने के बाद मौत को गले लगा लिया। इसका खुलासा उसके पास से बरामद हुए सुसाइड नोट से हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। जी हां, यह खबर आपको झंझोर कर रख देने के लिए काफ़ी है। इतनी छोटी उम्र में बच्ची ने प्यार में धोखा खाने के बाद मौत को गले लगा लिया। यही सोचने वाली बात है कि आखिर इस नई जनरेशन को क्या हो रहा है और किस ओर जा रही है यह नई जनरेशन। इस सोच के पीछे आखिर वजह क्या है? जिस उम्र में बच्चे बच्चियों को अपने माँ बाप का भरपूर प्यार मिलता है, वो बच्ची दूसरे के प्यार में कैसे बह गई? जिस उम्र में बच्चों को खेलकूद और पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, उस उम्र में बच्चे ने आत्महत्या जैसे कदम को आखिर कैसे उठा लिया? क्या समाज बदल गया है या फिर टीवी और इंटरनेट इसके जिम्मेदार हैं? ये खबर देखने के बाद हर माँ बाप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे, आखिर किसको माने इसका जिम्मेदार। तस्वीरों में इस बच्ची के मासूम चेहरे को देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इस बच्ची ने प्यार में नाकाम होने के बाद मौत को गले लगा लिया। यह वही बच्ची है जो फरीदाबाद के बल्लमगढ़ इलाके में अपने माता पिता के साथ रहती थी, जिसने अपने पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग बच्चे से प्यार तो हो गया लेकिन उसके प्यार में वह बह गई। बच्ची ने सुसाइड नोट में खुलासा करते हुए लिखा कि वह पड़ोस में रहने वाले हमउम्र एक बच्चे से प्यार करती थी लेकिन वह बच्चा किसी और से प्यार करता था। इसी से नाराज होकर उसने फांसी के फंदे से गले लगा लिया। मौत की आगोश में समा गई। बच्ची ने पिता के मुताबिक उन्हें इस मामले की जानकारी बच्ची के पास मिले एक सुसाइड नोट से हुई है। आइए सुनते हैं क्या कहना है बच्ची के पिता का। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, क्या मामला और कहां का मामला है ये? जी ऊंचे गांव का मामला है, फांसी का मामला है जी। कितने साल की लड़की थी? मेरी जी 12-13 साल की लड़की थी। 12-13 साल की, तो फांसी अपने आप लगाई है या फिर कैसे? मतलब नहीं जी, इस बात की पता नहीं है, उसके हाथ में तो सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट मिला है जो लिखते हैं। कितने साल की लड़की थी ये? 12-13 साल की। 12-13 साल की लड़की, पढ़ती पढ़ाई करती थी क्या करती थी? क्लास में पढ़ती थी। आठवीं क्लास में? हाँ जी। तो ये आप जो बता रहे हो, कितने बजे का मामला है ये जी? हम तो 8 बजे करीब काम पे से आए और जब आके देखा कि फांसी लगी पाई है हमें। तो आपको किसी पे शक है या मतलब कि मेरी आपकी लड़की ये कर सकती है? सुसाइड नोट में जी नाम आ रहा क्लियर। अच्छा, सुसाइड नोट पे जो लिखा हुआ है वो आपकी लड़की की राइटिंग है क्या है मतलब? हाँ जी, राइटिंग है, उसमें नाम आ रहा क्लियर। क्लियर नाम आ रहा है? हाँ। कि मैं अपने आप ही उसने खुदकुशी करी है? लड़के का नाम आ रहा है। लड़के का नाम आ रहा है? हाँ जी। क्या नाम है, लड़का कहाँ का है? लड़के का नाम है लड़के का नाम ईश्वर है, ऊंचे गांव का लड़का है। ऊंचे गांव का लड़का है? हाँ जी। तो आपने कोई कंप्लेंट वगैरह की? हाँ जी, जबी की जबी कंप्लेंट कर दी थाने में। हाँ जी। पुलिस कार्रवाई हो रही है? लड़का थाने में ही है। लड़का थाने में ही है? हाँ। तो पुलिस कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से? अभी जी जो कागज पूरे हो रहे हैं, कागज पूरे हुए और हमें यहाँ भेज दिए हैं पोस्टमार्टम के लिए आए। चलो ठीक। वहीं इस मामले में पुलिस प्रवक्ता ACP आदर्शदीप ने माने तो एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने प्यार में धोखा मिलने के बाद आत्महत्या की। इसका खुलासा उसके पास बरामद हुए सुसाइड नोट से हुआ। उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो भी कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी। सर, बल्लभगढ़ की तरफ एक नाबालिग लड़की ने सुसाइड किया है, क्या है सर पूरा? एक आज बल्लभगढ़ में नाबालिग लड़की ने सुसाइड किया है, जिसमें उसने अपना सुसाइड लेटर भी छोड़ा और उसने एक लड़के पे, जो कि वो भी लड़का भी नाबालिग है, उस पर आरोप लगाया है प्यार में धोखा देने का। तो उस संदर्भ में FIR दर्ज कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। कितने उम्र है? हाँ जी, उम्र कितनी है सर बच्ची? उम्र 12-13 साल की लड़की थी। अभी क्या कार्रवाई करेगी? इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें लड़के को राउंड अप करके जो भी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई की जाएगी। लड़का भी नाबालिग है? लड़का भी नाबालिग है। सोशल सवाल कर लें, छोटे बच्चे सोशल मतलब कि सर ये मतलब ये मैसेज आएगा कि माँ को ज्यादा बच्ची बच्चों का ACP साहब होगा। कर जाओ, मुझे थोड़ा वैसे शॉर्ट चाहिए।